हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ पालक की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। इसे चाहे तो सुबह के नाश्ते, लंच, डिनर या फिर जब मन करे आप इसे खा सकते हैं, लेकिन साथ ही ये बच्चों के टिफ़िन में देने के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और इस मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार करने के लिए मैंने 300 ग्राम पालक ली थी। इसके साफ पत्ते को इस तरीके से हमने छांट लिया और फिर रनिंग वाटर से इसके पत्तों को अच्छे से हम धो लेंगे। इसके धोने के बाद इसे हमने बारीक इस तरीके से कट कर ली थी। दूसरी तरफ मैंने आधा कप बासमती चावल को पहले अच्छे से धो ली और फिर इसे 20 मिनट के लिए पानी में सोख करके छोड़ दी थी। 20 मिनट के बाद इसके पानी से इसे छान ली और एक जार में डालकर इसे हम बारीक पीस लेंगे। और अब इस पीसे हुए चावल को, जो बारीक हमने पालक कट किया है, उसमें हम इसे ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बर्तन में ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी मैंने 2 चम्मच यहाँ पर बेसन ऐड की। साथ में 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर, हरी मिर्च 3 से 4 बारीक काट करके, और साथ ही आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को हमने ऐड करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। पालक चूंकि मिक्स होने के बाद थोड़ा सा गल जाता है, इसलिए अभी परफेक्ट पता नहीं चलता है कि बेसन हमें कितना ऐड करना चाहिए। और इस पॉइंट पर मैंने नमक को भूल गई थी, तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और अब इस तरीके से मिला के हम देख लेंगे कि अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो बेसन को हम और ऐड कर देंगे। तो पहले हमने इस तरीके से मिला लिया और अब यहाँ पर मुझे बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने अगेन इसमें करीब 3 बड़े चम्मच को बेसन मैंने ऐड कर दिया था। साथ ही अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे एक बैटर इसका तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पालक से भी पानी अपना छोड़ता है। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े से पानी ऐड करके इसका एक बैटर तैयार कर लिया था और फिर इसे 10 मिनट के लिए हम साइड कर देंगे, क्योंकि जब पालक नरम होता है तो उसका पानी छोड़ता है, फिर ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए अभी मैंने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, ठीक साइज़ का बैटर तैयार कर लिया था। 10 मिनट के बाद मैंने अगेन चेक किया, मुझे थोड़ी ये गाढ़ी लग रही थी, तो थोड़ा सा मैंने 2 छोटे चम्मच के करीब पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ सा बैटर हमने तैयार कर लिया है। ये हमारा पालक का बैटर हमने बना लिया। अब इसके साथ खाने के लिए एक हरी चटनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए 1 मुट्ठी हरे धनिया को अच्छे से साफ करके धो के मैंने एक जार में ऐड कर दी। साथ में 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ऐड की हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 2 छोटी चम्मच पानी इसमें ऐड करके इसे हम बारीक पीस लेंगे और ये हमारी हरी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ ये बैटर भी हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर तवे को मैंने गर्म करने के लिए चलाया था और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने वाइट वाली जो तिल होती है, सफ़ेद तिल, उसे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड कर देंगे। इसकी वजह से जो हमारा नाश्ता बनता है बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होता है और इसे भून के जब हम ऐड करते हैं तो इसकी एक सोंधी सी खुशबू भी आती है। इसे आप ज़रूर ऐड करें। इसे मैंने ऐड कर दिया और ये हमारा बैटर नाश्ता बनने के लिए बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है। अब दूसरी तरफ तवा को हमने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और उसमें आधी छोटी चम्मच हम कुकिंग ऑयल को डाल के इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे और फिर 1 चम्मच के हेल्प से, आप चाहें तो इस चम्मच की जगह पे छोटी कटोरी या छोटा ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बैटर को इस तरीके से इसके ऊपर डालकर हम स्प्रेड कर देंगे, जिस तरीके से हम चीला बनाते हैं। ये चम्मच जो है बहुत ही परफेक्ट था क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ना तो बहुत मोटा बना ना तो बहुत ज़्यादा पतला बनता है। एक माप आप रखें और बिल्कुल इतनी ही थिकनेस का बनाएं। तो एक तरफ से मैंने 3 मिनट के लिए इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लिया था। 3 मिनट के बाद इसे फ्लिप कर दिया, अगेन 3 मिनट के लिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पका लिया। 3 मिनट के लिए बिल्कुल परफेक्टली ये डन हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है और धीमे धीमे आँच पर चूँकि हम पकाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर नाश्ता हमारा तैयार होता है। अगेन हम दूसरा भी एक बार बना के देख लेते हैं। तो अगेन हमने बिल्कुल आधी छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल स्प्रेड कर दी और 1 चम्मच यहाँ पर हमने बैटर को डालकर इस तरीके से थोड़ा सा फैला दिया, ना बहुत पतला ना बहुत ज़्यादा
मोटा है और इसे ढक के 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। लो फ्लेम पर पकने पर क्या होता है कि अंदर से भी अच्छे से पक जाता है, कच्चा नहीं रहता है। और अब इसे हमने फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करके अगेन ढक करके 3 मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल धीमी आँच पर सेक लेंगे। धीमी आंच पर पकने की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और अंदर तक बहुत अच्छे से ये पक भी जाता है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। तो आप हमेशा अगर इस तरीके से नाश्ता बनाएं, धीमी आंच पर इसे सेकिए, तेज़ आंच पे ऊपर से कलर तो आ जाएगा बट अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरीके से करके वन बाई वन करके मैंने अपने सारे नाश्ते को बना लिया था, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही क्रिस्पी, हेल्दी और मज़ेदार। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़रूर आप लोग इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।